बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 के चलते इन दिनों खूब चर्चा में है। इसी बीच सोनाक्षी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह इंडिगो की सर्विस से परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान उनका बैग बुरी तरह से टूट चुका है। सोनाक्षी ने एयरलाइंस कंपनी इंडिगो पर लगेज बैग तोड़कर लौटाने का आरोप लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने एयरलाइंस कंपनी पर उनके सामान को तोड़ कर देने का आरोप लगाया है। इसमें वह अपना सामान और बैग दिखा रही हैं और उसके दो हैंडल पूरी तरह से टूटे हुए थे और एक व्हील गायब था। इस 30 सेकंड के वीडियो में सोनाक्षी कहती है, मैं आज इंडिगो से ट्रैवल कर रही थी और मेरे पास एक बैग था जो बिल्कुल सही कंडीशन में था। जब मैं वापस लौटी तो पहला हैंडल पूरी तरह से टूटा हुआ था, तो वही दूसरा हैंडल भी पूरी तरह से टूटा हुआ और बैग का पहिया भी गायब था। एक्ट्रेस आगे कहती है, इंडिगो के लोगों का थैंक यू और सैमसोनाइट, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी इंडिगो से नहीं बच सकेंगे। बता दें, सैमसोनाइट एक इंटरनेशनल लगेज मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो बैग्स और ब्रीफकेस बनाती है। इंडिगो को वीडियो में टैग करते हुए सोनाक्षी ने लिखा, हाय इंडिगो सेक्सी, सेक्सी हल्क है, ये सेक्सी नहीं था, आपने अटूट चीजों को तोड़ दिया। एक्ट्रेस के ट्वीट पर अब लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और इस ट्वीट को और भी ज्यादा वायरल कर रहे हैं। अभी तक इस पर एयरलाइंस और बैग कंपनी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। सोनाक्षी को आखिरी बार सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान में एक कैमियो करते देखा गया था। इन दिनों सोनाक्षी के पास दो बड़ी फिल्में हैं। पहली वे सलमान खान के साथ एक्शन कॉमेडी दबंग 3 में रज्जो की भूमिका में नजर आएंगी, तो वहीं वह भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की भी शूटिंग कर चुकी है। इसमें सोनाक्षी के साथ साथ अजय देवगन और परिणीति चोपड़ा भी दिखाई देंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।